बॉलीवुड के मशहूर सिंगर आतिफ असलम ने दी लता जी को श्रद्धांजलि, मुंबई कॉन्सर्ट में ऐसे किया याद। आइए देखते हैं इस वीडियो में। 6 फरवरी 2022 को सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लता मंगेशकर के निधन के बाद पीएम मोदी ने सिनेमाई दुनिया के सितारों तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी हस्तियों ने भी उन्हें याद किया। इस बीच लता मंगेशकर को सिंगर आतिफ असलम ने श्रद्धांजलि दी है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आतिफ असलम ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान लता को याद किया और उनके गाने गाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। आतिफ के इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। दरअसल इंस्टाग्राम पर फरीदून शहरयार ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आतिफ असलम लता दीदी का गाना एक प्यार का नगमा है गाते दिख रहे हैं। वहीं बैक स्क्रीन में लता मंगेशकर की तस्वीर दिख रही है। फरीदून के मुताबिक आतिफ का ये वीडियो उनके दुबई कॉन्सर्ट का है। इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आतिफ की तारीफ करते हुए लता को याद कर रहे हैं। याद दिला दें कि 92 वर्षीय लता के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते 6 फरवरी 2022 की सुबह मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। उनका दाह संस्कार उसी दिन शाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया था। सोमवार को लता के 3 अस्थि कलश आदिनाथ को सौंपे गए थे, जो गायिका के भाई एवं संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे हैं। गौरतलब है कि 1929 में लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। लता को भारत की सुर सम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता है और उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। वह भारतीय सिनेमा की महान गायिकाओं में से एक हैं। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर को पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सो गाइज, आतिफ असलम के इस ट्रिब्यूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।